फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप देख रहे होंगे मैं रेडी हो चुकी हूँ अभी, और आज है संडे तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। अब कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं गाड़ी में बैठ के बताती हूँ, क्योंकि हम हो रहे हैं लेट। तो चलिए चलते हैं। आ गई हूँ मैं कार में और हम लोग जा रहे हैं मेरी दीदी के घर। यानी बारिश आ रही है, बाहर का वेदर में बताना ही भूल गई आपको कितनी ग्रीनरी हो रही है, सॉरी, क्योंकि बहुत बारिश आ रही थी और मेरे हाथ में था कैमरा, तो मुझे आना था भाग के यहाँ पर, और भाग भी नहीं सकती थी, कहीं गिर गिरा जाऊँगी उधर के। तो अभी हम निकल रहे हैं, बस मम्मी आ रहे हैं, तो मम्मी के आते ही हम निकलेंगे और मिलवाऊँगी मैं आपको मेरी दीदी के दो प्यारे प्यारे बच्चों से। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इसलिए चलिए चलते हैं। और बारिश हो रही है दमादम पूरी रात से, कल शाम से जब से बारिश स्टार्ट हुई है ना, जितनी देर हम घर पे आए उतनी देर सिर्फ बंद थी और पूरी रात बारिश गिर रही है, और अभी भी थोड़ी 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 गिर ही रही है थोड़ी थोड़ी देर में। सुबह सिर्फ दूध पी के ही घर से निकले हैं, तो ब्रेकफास्ट करना बाकी है, तो कोई अच्छी होटल आती है तो रुकते हैं, बस ढूंढ ही रहे हैं, सर्च चल रहा है। हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं इस होटल पर, अब फर्स्ट टाइम इस होटल में हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, बाकी हम दूसरे होटल में करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसा है टेस्ट, और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या ऑर्डर करेंगे। हम आए थे इस होटल पर, मुझे लगी और मम्मी को, चिकू को, हम तीनों को लगी साफ़ सफाई की थोड़ी कमी, और अच्छा भी नहीं था, और हमको जो खाना था वो हमको ब्रेकफास्ट में अवेलेबल नहीं था, तो हम चेंज कर रहे हैं होटल। अभी जाएंगे दूसरे होटल पर, बताती हूँ किस होटल पर जा रहे हैं, जो अच्छी दिखेगी, जो अच्छी मिलेगी उस पर जाएंगे। आ गए हैं हम उस होटल पर जहाँ पर हम इस रूट से जब भी जाते हैं तब यहीं पर करते हैं हमारा खाना वगैरह जो भी है वो, और यहाँ का खाना वगैरह बहुत टेस्टी है, नाश्ता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो हम क्या ऑर्डर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आ गया है हमारा मसाला डोसा, जो कि यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो खा के फिर हम आपको बताएंगे कैसा है। हमने नाश्ता कर लिया है और फिर हमने खाया कॉर्न, वो जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और आप मेरा मुँह भी देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, और मेरे पे मम्मी और चिकू दोनों हंस रहे तो बहुत अच्छा था ब्रेकफास्ट। तो हमने डोसा मंगाया था और आलू पराठा मंगाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और हम यहाँ पर रेगुलर रुकते हैं ना, इसलिए पता है यहाँ पर टेस्टी मिलता है, इसलिए एक फर्स्ट रुके थे वहाँ तो मज़ा ही नहीं, देख के ही मज़ा नहीं आ रहा था, फिर खाया भी नहीं हमने। ठीक है, चल जोमेटो वाले बॉय ऐसी बारिश में भी डिलीवरी दे रहे हैं, हमारे पेट की शांति कर रहे हैं, यानी हेड्स ऑफ है इन लोगों को। तो ये आ गए हैं हम हमारे मेरी दीदी के घर पे हिम्मत नगर, तो अभी मिलेंगे दीदी से, जुजू से और बच्चों से। जूम कैसे करते जोर से हंस, जोर से तेरा डिंपल दिखा, खाना पड़े हेड रस थोड़ा, ठीक है ऊपर मुंह पे चल पर थोड़ा मैं हां वो एक मिनट नोहा जी ने टाइम बतावे, ये देखो हमारा बाहर का है, ये टाई गुड़ी टाई गुड़िया ये है हमारी चार्मी क्यूटी पाई, ये है टाइगर,
ये है स्लो गुड्यू खेला दे इसको इसको खेला दे खेला तू खेला जोरदार है नहीं ओ सब इन पास तो हुए हैं सब करें सब गांडू है बाबरू अभी छोड़ दू ना छोड़ना मत ना जी जी छोड़ दे ना जी मन भीख लगे अटले तो मन खबर तो है हमारा आईफोन है ये हम लाए हैं 2-3 लाख का नहीं पढ़ूं तो ये पढ़ेगा कैमरा पढ़ेगा भी भारी नहीं है सबसे टिंगड़ी टिंगड़ी हाँ कहना क्या कहना है मेरा ब्लॉग मासा जी क्या कर रहे हो मासा जी को पूछ रहे माफा जी तू ये छोटा था जी जी ये नाना था मैं माफी बस कहता हूँ ये चार्मी अभी काकड़ी बंदरिया जैसे लटक रही है तू बंदरिया जैसे लटक रहा है बाय बोल बाय अच्छे से बोल बाय अभी हम निकल चुके हैं दीदी के घर से और बहुत ज़्यादा मज़ा आया थोड़ा बहुत जो भी शूट था वो श्लोक और चार्मी ने किया था क्योंकि उनको खिलौने जैसा ही लग रहा था कैमरा तो खेल भी रहे थे साथ में शूट भी कर रहे थे तो जो भी होगा वो आपने इस व्लॉग में देखा ही होगा जो भी उन्होंने शूट किया है तो अभी निकल गए ऋषभ देव के लिए वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं और बहुत बारिश मिली थी आते समय बहुत ज़्यादा बारिश थी तो आने में भी थोड़ी दिक्कत हुई पर कोई बात नहीं ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं मिली कि गाड़ी चल ही ना पाए अभी भी थोड़ी थोड़ी तो है ही कल से यानी रेगुलर बारिश हो ही रही है और अभी भी थोड़ी थोड़ी तो हो रही है और ये है स्वामीनारायण का मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है हिम्मतनगर में हम हैं अभी गुजरात के अंदर तो और गुजरात में है डीज़ल की रेट थोड़ी सी कम तो हम यहीं पर पेट्रोल इस डीज़ल भरवा के जाएंगे तो कट ऑफ करवाएंगे ना कट आउट सॉरी मुझे पता नहीं है सीख रही हूँ चिकू से इसलिए तो ये है नया कोई पेट्रोल पंप तो यहाँ पर भरवाने का सोच रहे इसकी थीम बहुत अच्छी है रेड एंड वाइट ये रेड एंड येलो नया खुला है शेल सेलेक्ट ओ इसमें फॉरेन जैसा सिस्टम है जो शायद तक अंदर ग्रोसरी का भी सामान मिल रहा है दुबई जैसा नहीं दुबई जैसा नहीं है नहीं वो नहीं है दुबई जैसा हाँ, दुबई में भी अपन जाते ऐसे तो ऐसा ही था नमस्ते बोल रहे पेट्रोल पंप पे पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के अभी हमने यहाँ पर डीजल भरवाया और बहुत ही अच्छा लगा हमको पेट्रोल पंप बहुत ही अच्छा लगा बस यहाँ पर शूट करना अलाउ नहीं था इसलिए हम लोग कर नहीं पाए और अभी यहाँ पर था यानी स्टोर टाइप था थोड़ा सा यानी फॉरेन कॉन्सेप्ट का लगा क्योंकि अभी हम लोगों ने भी कहीं ट्रैवल किया नहीं इसलिए पता नहीं है इसकी कहाँ का फ्रेंचाइजी खुली है बहुत अच्छा लगा और ये हमने यहाँ से परचेज करा अभी न्यू ओपन हुआ है इसलिए ज़्यादा कुछ भी था नहीं तो कुछ और भी लेने की इच्छा थी पर बहुत अच्छा था और एकदम नीट एंड क्लीन बहुत था अभी वॉशरूम यूज़ किया वो भी बहुत अच्छा था बस पानी नहीं था क्या पता किस वजह से नहीं था इसलिए हमने गाड़ी में आके बॉटल से हाथ धोए अच्छा था पर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया एकदम काला काला सा हो गया और अभी 6:30 ही हुई है सिर्फ और बारिश हो रही है धमाकेदार शायद कैमरे में इतनी दिख नहीं रही होगी पर अच्छी खासी हो रही है बारिश तो
क्या पता ये कौन सी ट्रक है, बाप रे इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है। गजब, यानी इंजन खत्म हो गया इस गाड़ी का। रिमझिम रिमझिम बारिश हो ही रही है। आज सेम पोल्यूशन वाले ट्रक के सब की क्या निकले, पर ये कम है थोड़ा सा, उसके जितना नहीं है, वो तो काला काला निकल रहा था बहुत ज़्यादा। ये बारिश का भारी प्रकोप फटाफट आ रही है, यानी बहुत तेज आ रही है बारिश। घर पे आ गई हूँ और चेंज वगैरह सब कुछ कर लिया है जैसे कि, और थोड़ी सी लग गई है थकान क्योंकि इतना ट्रैवल मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद किया है, यानी कोविड के बाद तो बहुत, यानी कोविड के बाद तो फर्स्ट टाइम किया है, कहीं जा ही नहीं रहता दूर तो। और गई थी तो ब्लॉग भी किया मैंने आपके लिए, मेरी दीदी के घर गई थी, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों से बहुत टाइम बाद मिली और उनको भी बहुत अच्छा लगा मासी मासी करके। मैं उनकी मासी और मेरे दो प्यारे प्यारे से भांजे, आपको कैसे लगे आप मुझे बताना, बहुत ज़्यादा क्यूट है दोनों जने। और थोड़ी शर्मा भी रही थी क्योंकि मैं बाहर, अब शुरू शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है बाहर ब्लॉग करना, और जैसे कि हम एक गए थे नए पेट्रोल पंप पर, बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पर शूट करना अलाउ नहीं था इसलिए मैं अच्छे से कर नहीं पाई शूट, बाकी बहुत अच्छा था। अंदर स्टोर में गए वो भी काफ़ी अच्छा था, और आज का दिन भी बहुत अच्छा निकला। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताना, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, और हम बाहर जाने का जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे, आपको भी हमारे साथ ले चलेंगे, और जहाँ हम घूमेंगे और जो इन्जॉय करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो बाय।